हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आज हम फिर एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे। ये वर्क एनर्जी और पावर का पार्ट 4 है, जिसमें हम क्वेश्चन अभी आपने स्क्रीन पर देखा होगा और आप लोग देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर। ठीक है, 6.13 क्वेश्चन है। आप लोग एनसीईआरटी अपने अपने बुक से पढ़िए। 6.13 ये क्वेश्चन है। और बच्चों, मैंने इसको बोर्ड में नहीं लिखा, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे अपने मैंने इसको पेस्ट कर दिया, देख रहे होंगे आप लोग। आप लोग बुक से पढ़िएगा क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें एक रेन ड्रॉप की बात कर रहा है, जो बारिश की बूंद होती है बच्चों, उसकी बात कर रहा है। ये मान लेते हैं बच्चों ग्राउंड है। ये क्या है? ग्राउंड है। और ग्राउंड से यहाँ पे जो एक बारिश की बूंद है, ड्रॉप, जिसका मास हमने कंसिडर कर लिया है स्मॉल एम। मान लो, सपोज दैट मास क्या है? स्मॉल एम है। इसका जो बच्चों रेडियस गिवेन है, ये रेडियस, ये कितना आपका दिया है? रेडियस आपका गिवेन है, मैं इस साइड लिख देता हूँ, आर इज इक्वल टू 2 mm। ये बच्चों ग्राउंड से 500 मीटर की हाइट पर है। कहाँ से? ग्राउंड से 500 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, तो ये 500 मीटर की हाइट पर है और यहां से ड्रॉप गिरती है। ये क्या करती है? गिरती है ऐसे नीचे की तरफ। इसमें क्वेश्चन का डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होता है। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि कह सकते हैं कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करेगा। इसकी एक्सेलरेशन धीरे धीरे और डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज नहीं कर रही है, डिक्रीज। आपको पता है कि कोई भी बॉडी अब जब गिरती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है कंटिन्यू, तो इसका भी वेलोसिटी इंक्रीज करेगा और इसमें एक एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, जिसे हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, पता है ना। तो यहां पे क्या होगा? एयर होगा चारों तरफ। क्या होगा? एयर। एयर क्या करता है? इस ड्रॉप को रजिस्ट करता है, अपोज करता है। मतलब ये जितनी स्पीड आता था, ये इसे ऐसे इस तरह से रजिस्ट करता है, अपोज करता है इसके मोशन का, लेकिन फिर भी ड्रॉप गिर रही है। तो यहाँ रजिस्टिव फोर्स भी क्या कर रही है? एयर भी एक रजिस्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है, और इस रजिस्टिव फोर्स से एयर के रजिस्टेंस की वजह से एक वर्क होता है। तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है? जब ये रजिस्ट होते 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 एक ऐसे पॉइंट पहुंचता है जहां पर ये कह सकते हो कि हाइट जितनी है उसका हाफ हो जाता है। मतलब ये हमारा कितना बचता है? 250 मीटर। इस हाइट पर जो है ये हमारा ड्रॉप, ये अब एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है, और इस कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में। अभी हम आपको उसको सॉल्यूशन जब करेंगे तो वैल्यू रखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट हो जाइए। यहाँ से कांस्टेंट स्पीड से, मतलब एक टर्मिनल स्पीड से चलने लगती है। अब इसके बाद स्पीड इसकी इंक्रीज नहीं होगी। मतलब यहाँ से एयर का रेजिस्टेंस स्टार्ट होता है, यहाँ पर क्या होता है? मैक्सिमम होता है। इसकी वजह से क्या होता है? अब ये रेजिस्टेंस उतना कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ तक पूरा रेजिस्टेंस वर्क करेगा अपना, इसलिए कांस्टेंट स्पीड से यहाँ पर ग्राउंड तक गिरती है। तो कितनी हाइट ट्रेवल करता है? ये ही 250 मीटर हाइट ट्रेवल करेगा जब ये कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तब। ठीक है ना, कांस्टेंट स्पीड से चलेगा तो ये भी कितनी हाइट कह सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 250 मीटर। तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क डन हुआ फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप में कितना वर्क डन हुआ। ठीक है, तो इसमें बताना चाहूँगा डिक्रीजिंग एक्सलरेशन हो या कॉन्स्टेंट स्पीड हो। ठीक है ना, कांस्टेंट स्पीड या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के केस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ ग्राउंड है अर्थ का, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क होगा। तो जो ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक के लिए सेम होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम एक वर्क डन निकाल लें, वही वर्क डन यहाँ के लिए भी हो जाएगा। लेकिन जब हम टोटल वर्क डन निकालेंगे, तो यहां से यहां तक लेंगे, यहां से यहां तक टोटल वर्क डन लेंगे, और इस वर्क डन में एक और वर्क हो रहा है एयर रेजिस्टेंस के कारण।
तो दोनों वर्क मिलकर के इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब जैसे जैसे ये बढ़ता है, स्पीड बढ़ती है, मतलब यहाँ पे मोशन हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी में ये कन्वर्ट होता है। मतलब जो भी वर्क होगा यहाँ पे, जितना भी वर्क होगा, सब के सब किस में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी में। तो जब ग्राउंड पे जैसे टच करता है जिस स्पीड से, वो उसकी क्या होगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आप पहले इस स्टेप में हम क्या निकालेंगे? वर्क डन, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप वर्क डन निकालेंगे हम W। ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क का फॉर्मूला। तो यहां फोर्स क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब MGH। MG हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां पे हम H लिख देंगे। और बच्चों यहां पे H की जो वैल्यू लेंगे वो 500/2 करेंगे, मतलब इसका आधा, तो 250 मीटर आपका हाइट आ गया। तो यहां पे वैल्यू बच्चों हम रखेंगे मास की। अब देखो मास तो पता नहीं है, लेकिन रेडियस गिवन है, तो पहले मास कैलकुलेट करेंगे। मास कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप पढ़े हो कि मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 πr³, क्योंकि रेडियस कैसा होता है? स्फीयर जैसा होता है। तो पहला हम इसको काम करेंगे, चेंज करेंगे रेडियस को, इसको चेंज करेंगे हम मीटर में, तो 2 × 10⁻³ मीटर लिख देंगे। ये मीटर में चेंज कर दे रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि यह SI सिस्टम में नहीं था। तो मैं चाहूँगा बच्चों पहले आप लोग इसको रेडियस को नोट करें और हाइट को नोट करें, फार्मूला नोट करें, और मास कैसे कैलकुलेट करना है इसको नोट करिए और फिगर ड्रॉ कर लीजिए, नोट कीजिए वीडियो को स्टॉप करके। ठीक है, आपने नोट कर लिया है, वेरी गुड। तो अब बच्चों ये जो स्पीड है, इसमें स्पीड गिवन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो लास्ट में दिया है 10 m/s, ये दिया है स्पीड। ठीक है, तो ये स्पीड के कारण क्या होगी? इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी। कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी होगी। तो पहले हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो 4/3 πr³, r के प्लेस पे 2 × 10⁻³, ठीक है, इसका होल क्यूब। डेंसिटी, ड्रॉप जो होता है रेन ड्रॉप, वो वाटर का होता है, तो वाटर का जो डेंसिटी होगा वही डेंसिटी इसका यहाँ भी लेंगे हम, मतलब 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बच्चों इसको सॉल्व करेंगे अब, बस और कुछ नहीं बचा है। तो 4/3 π, ये 8 × 10⁻⁹, और ये प्लस ऐड हो जाएगा 3, तो 32 π/3 और 10⁻⁶, ये किलोग्राम जो है मास आ जाएगा। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे बच्चों, और आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, 32 π/3 × 10⁻⁶, जी की वैल्यू 9.8 लेंगे, ठीक है, इंटू हाइट कितना दिया है इसमें 250। ज़रा इसको आप लोग कैलकुलेट करिए, मुझे कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, आप लोग जल्दी से कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट कीजिए। कर लिया तो अप्रॉक्सीमेटली जो आएगा 0.082 आएगा बच्चों, इतना जूल आएगा। कितना आएगा? 0.082 जूल। ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक वर्क डन है, या यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन है, आप किसी भी स्टेप में ले सकते हो, यही सेकंड का है, यही फर्स्ट का भी है, सेम वर्क। तो टोटल वर्क अगर निकालना है, कहाँ से कहाँ तक? टोटल वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, टोटल वर्क बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों ये कितना जाएगा? इसका हम डबल कर देंगे, तो 2 × 0.082 मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 = 16, 0.164, ये जूल आपका क्या जाता है? सॉल्व करने पे आ जाता है, टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा ठीक है, इसमें एयर रेजिस्टेंस भी अप्लाई हो रहा है, तो वो भी कुछ वर्क कर रहा होगा, तो इस क्वेश्चन में ये भी वर्क निकालना है, वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, तो टोटल वर्क डन, ये W, W ग्रेविटेशनल कह सकते हो आप, ऐसे ग्रेविटेशनल, प्लस
प्लस डब्ल्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। हमें ये चाहिए, इसे ट्रांसफर कर देंगे। इट इम्प्लाइज दैट डब्ल्यू आर कितना हो जाएगा आपका, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो इसको इरेज करते हैं ऊपर से, आप ये समझ गए होंगे फिगर को। तो यहाँ से हम ये चीज़ इरेज कर दे रहे हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है बच्चों, एनसीईआरटी को देख के घबरा जाते हैं बच्चे कि कैसे सॉल्व हो क्वेश्चन, है ना। घबराइए नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ डब्ल्यू आर हमें कैलकुलेट करना है बच्चों। तो हाफ एम वी स्क्वायर मास कितना है, 32 पाई बाई 3 इंटू 10^-6 इंटू वी स्क्वायर है, तो ये 10 दिया है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस डब्ल्यू ग्रेविटेशनल कितना निकाल लिए हैं, 0.0164। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर आएगा अप्रॉक्स 0.0017 माइनस 0.164। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0. नेगेटिव में आएगा ये वर्क डन, क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो या एयर रेजिस्टेंस हो, वो वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है, तो ये भी नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है ना, तो 0.16234 जूल अप्रॉक्स राउंड ऑफ फिगर इतना आपका आंसर हो जाएगा। तो ये है 6.13 का आंसर। एयर रेजिस्टेंस के कारण कितना वर्क हुआ, टोटल वर्क कितना हुआ, फर्स्ट स्टेप में कितना वर्क हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन का लॉजिक है। इसके बाद आप लोग देखेंगे 6.13 है तो 6.14। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये 6.14 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वर्क एनर्जी पावर का सेकंड क्वेश्चन, इस पार्ट का सेकंड क्वेश्चन। अ मॉलिक्यूल इन अ गैस कंटेनर हिट्स हॉरिजॉन्टल वॉल विद अ स्पीड 200 मीटर पर सेकंड एंड एंगल 30 डिग्री विद द नॉर्मल एंड रीबाउंड विद द सेम स्पीड। इज मोमेंटम कंजर्व्ड इन द कोलिजन, इज द कोलिजन इलास्टिक और इनइलास्टिक। क्या मोमेंटम कंजर्व है, क्या यह कोलिजन इलास्टिक कोलिजन है या फिर इन इलास्टिक कोलिजन, यही आपको बच्चों बताना है। तो इसमें एक विजल का मान लो ये वॉल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल मान लेते हैं स्मॉल एम मास का है, वॉल का मास कैपिटल एम है, ये सीधे आता है और इसे टकरा जाता है इससे। कितनी स्पीड से आता है, 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आता है। यहां एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं बच्चों, ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल से कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है और रीबाउंड होता है सेम स्पीड से। अगर स्पीड सेम है बच्चों, मतलब ऐसे रीबाउंड होता है, तो ये भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगी, स्पीड कितनी होगी, 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों मैं बताना चाहूंगा कि जो मोमेंटम होता है, कोई भी कोलिजन हो, याद रखना दिमाग में बैठा लो कि मोमेंटम कोई भी हो, सॉरी कोलिजन कोई भी हो, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो इसमें आप लिख सकते हैं मोमेंटम, मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ये बच्चों इसका आप लोग पॉइंट ये है, और यही एक पहले का आंसर भी है, इसे आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि मोमेंटम किसी भी कोलिजन में क्या होता है, कंजर्व होता है। तो यहां भी जो भी कोलिजन हो रहा है, मोमेंटम कंजर्व है। दूसरा चीज इसमें बताना है कि इलास्टिक कोलिजन है कि इन इलास्टिक कोलिजन है। तो अगर इलास्टिक कोलिजन है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, कोई लॉस नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। दूसरी चीज, अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है, इसका मतलब कौन सा कोलिजन है, इन इलास्टिक, तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, इस वॉल का मास कितना लेट किए हैं, कैपिटल एम, इस मॉलिक्यूल का मास कितना है, स्मॉल एम। तो बिफोर कोलिजन
काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों, इसके पास है कितना, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी वॉल है भाई, वॉल टकरा रहा है, वॉल तो रेस्ट में है, तो इसका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो। आफ्टर कोलिजन की मैं बात करूं, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये होगी कितना, कोलिजन के बाद इसकी स्पीड कितनी है 200 मीटर पर सेकेंड, तो काइनेटिक एनर्जी अब भी वही रहेगी इसकी। वॉल क्या मोशन में आया, नहीं आएगा, क्योंकि भाई वॉल तो काफ़ी हैवी है ना मॉलिक्यूल्स कंपेयर में, तो वॉल कहाँ मोशन में आएगा, वॉल मोशन में नहीं आएगा, तो तब भी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम आएगी। इसका मास भी शायद गिवन है, कितना मास है नहीं गिवन है, कोई बात नहीं है, 200 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, एट एंगल 30 डिग्री किसका, कंटेनर का, ठीक है, कोई भी हो, मास कुछ भी हो, तो आप क्या देख रहे हो, ये काइनेटिक एनर्जी सेम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो आप देखकर बता सकते हैं कोलिजन कैसा हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, और जब काइनेटिक एनर्जी बच्चों कंजर्व है तो आप ये कह सकते हो कि ये एक इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। तो ये है आपका 6.14, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में। इसके बाद बच्चों हम लेके आ रहे हैं 6.15 नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 6.16 होगा, फिर ये वीडियो यहां पे द एंड होगा। न्यूमेरिकल बहुत अच्छे हैं, सिंपल है, आपके कॉन्सेप्ट की जरूरत है, तो वेट करिए, इसके बाद 6.15। बच्चों आपके सामने 6.15 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। आप लोग सोच रहे होंगे इतना हम क्वेश्चन कहाँ से पढ़ें, ये पंप वगैरह का खेल कहाँ से आ गया, तो इंजीनियरिंग में होना चाहिए ना, ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ भी वर्क और पावर की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अ पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर, पंप कहाँ पे है, ग्राउंड फ्लोर पे है, और फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कैन पंप अप वाटर, पंपिंग करता है टू फिल अ टैंक ऑफ वॉल्यूम। टैंक का वॉल्यूम बच्चों कितना दिया है, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम कितना गिवन है, 30 मीटर क्यूब। इसको फिल करता है कितने टाइम में, 15 मिनट में, ये क्वेश्चन है। और जब भी मिनट दिखाई पड़े उसे हमेशा किसमें कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो बच्चों, सेकंड में। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 61 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये 900 सेकंड अप्रॉक्स हो जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वाटर को फिल करता है 15, इफ टैंक इज 40 मीटर अबव, टैंक कहाँ पे है, 40 मीटर हाइट पर है, ठीक है, तो आपका एच गिवन है 40 मीटर हाइट, द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कितना है, 40 मीटर। अब बच्चों आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, अगर हाइट गेन कर रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, एनर्जी स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल, और वो भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और यही वर्क के बराबर होगा। तो ध्यान दो, यहाँ पे जो भी वर्क होगा वो पंप कर रहा है, तो पंप का ये जो वर्क है, ये वर्क का जो रेट हम लोग निकालेंगे वो इसका आउटपुट पावर होता है, क्या होगा, आउटपुट पावर। आप एफिशिएंसी, आपके क्लास टीचर या जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं आपके पढ़ाए होंगे कि फिजिक्स में एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, है ना। तो एफिशिएंसी को हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं, तो यहाँ ईटा कितना दिया है, 30 दिया गया है। एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर, आउटपुट पावर एक पावर होता है, कुछ नहीं, जो सप्लाई देता है वो आउटपुट, जहाँ से पावर मिलता है, जहाँ से ये अपना स्टोर करता है, कब करने की जो कैपेसिटी होती है वो इनपुट होता है। तो ये जानते होंगे भली भांति आपसे, आप सभी, तो इनपुट पावर, इनपुट पावर कितना होगा, इनटू 100, हमें इनपुट पावर निकालना है। हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम बाय पंप, कितना कंज्यूम है इसके पास पावर, वो कैलकुलेट करना है। तो कितना कंज्यूम है, मतलब उसका वो इनपुट पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, इनपुट पावर पूछ रहा है आपसे, क्योंकि कंज्यूम पूछ रहा है ना, कितना कंज्यूम कर रखा है,
और सप्लाई जो बाहर बाद में दे रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि इनपुट पावर कैलकुलेट करना है, आउटपुट पावर आपको गिवेन है यहाँ पे। तो आउटपुट पावर कैसे निकालेंगे पहले ये जानते हैं। तो पावर का फार्मूला वर्क बाय टाइम, तो सबसे पहले हम वर्क निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्क। तो वर्क इक्वल टू यहाँ पे होगा mgh। अब मास कैसे निकालेंगे? मास इक्वल टू ही जस्ट हमने एक क्वेश्चन करा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहाँ किसकी बात कर रहा है? टैंक का वॉल्यूम 30 है, तो जितना पानी भरा जाएगा ये भी क्या होगा? पानी का वॉल्यूम हो जाएगा, है कि नहीं? इतना ही भरेगा ना। और पानी का डेंसिटी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वॉल्यूम टू डेंसिटी के लिए 30 × 10³ क्या कर लेंगे, मास के प्लेस पे रख देंगे, क्योंकि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी 9.8, ठीक है 9.8, हाइट की वैल्यू 40, आपको वर्क मिल गया, टाइम गिवन है, तो आप आउटपुट पावर कैलकुलेट कर सकते हो। आउटपुट पावर ये होगा कितना? वर्क बाई टाइम। यहाँ वर्क कितना है? 30 × 10³ 9.8 × 40/900। इसे बच्चों सॉल्व करेंगे हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, बाकी मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे तो शायद ये सॉल्व कीजिए आप लोग वीडियो को स्टॉप करके, जल्दी सॉल्व करिए बच्चों, वीडियो स्टॉप करिए। ठीक है, सॉल्व कर लिया, कितना आया होगा? लगभग आएगा ये 39,200/3, इतना वाट में आएगा, ये कितना आएगा? 39,200/3 वाट में आएगा आउटपुट पावर। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम इनपुट पावर। तो यहाँ से इनपुट पावर अगर निकालते हैं, ये फार्मूला आपके पास है ना, तो इनपुट पावर, इनपुट पावर ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ आएगा, ईटा नीचे आएगा, मतलब आउटपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन ईटा इंटू 100। सॉल्व कर लेंगे, आउटपुट पावर कितना है? 39,200/3 इंटू ईटा की वैल्यू कितना दिया है? 30 दिया है, जब परसेंट लगा तो परसेंट को यहाँ पे 100 किए हैं ऑलरेडी, तो परसेंट से कोई मतलब नहीं है, अगर यहाँ 100 ना करते तो यहाँ 30/100 लिख देते, है ना, तो सिर्फ 30 रखेंगे, तो 3 × 30 × यहाँ पे 100 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो 1 जीरो तो पहले कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब 3 × 3 = 9 बचा है, इसको सॉल्व करें, जल्दी से सॉल्व करें बच्चों, वाट में आएगा, जल्दी बताइए आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। तो इसको सॉल्व करने में 43.6 × 10³ अप्रॉक्स इतना आएगा, क्योंकि हमने कैलकुलेशन नहीं किया है, आपका आंसर मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, इतना वाट आएगा। और वन, इतना वाट बराबर किलोवाट होता है, मतलब 1 किलोवाट में 1000 वाट, तो ये हम लिख सकते हैं इसको 43.6 किलोवाट, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना, सिंपल। आप पहले आउटपुट पावर निकाल लिए, आउटपुट क्यों निकाले? क्योंकि सप्लाई दे रहा है, जो बाहर सप्लाई दे रहा है वो आउटपुट पावर के हेल्प से देगा, और कैसे ये वर्क कर रहा है, कैसे ये वर्क कर रहा है, वह पावर उसकी इनपुट होगी, अंदर की पावर होगी, तो कितना कंज्यूम है, इनपुट पावर निकालना था। तो इफिशियंसी का फार्मूला आप सभी जानते होंगे, पढ़े होंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये है 6.15। इसके बाद हम लेके आ रहे हैं 6.16 क्वेश्चन, इसके बाद जो है आपका ये वीडियो यहीं पे समाप्त होगा। थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, और जो बच्चे इसके पहले का वीडियो ना देखे हों, वो मेरे इसके डिस्क्रिप्शन में जा करके आप सर्च करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में दिया गया है, उस पर क्लिक करके इसके पहले का वीडियो देख सकते हो, ठीक है। 6.16 बच्चों, ये आपके सामने 6.16 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल बॉल्स बेयरिंग हेड ऑन कोलिजन होता है इनका बाय अनदर, इफ कोलिजन इज इलास्टिक, जो फिगर दिया गया है बच्चों, इस फिगर में कौन सा फिगर पॉसिबल है, इज अ पॉसिबल रिजल्ट आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद कौन सा फिगर इसमें पॉसिबल है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है,
और मैंने इसको बहुत ही लेंदी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डॉट डॉट करके छोड़ दिया है और इसके वीडियो के नीचे हमने पेस्ट कर दिया है क्वेश्चन को, आप लोग पढ़ सकते हो। और अपने बुक में अगर क्वेश्चन होगा आपके सामने तो बुक बदले के बैठे होंगे तो उससे पढ़ लीजिए। क्वेश्चन यही है, फिगर आपके बुक में भी बना है, मैंने फिगर थोड़ा सा ऐसे ही बना दिया है। आइडेंटिकल बाल का मतलब बच्चों होता है कि उसका मास सबका सेम होना चाहिए और शेप सबका सेम होना चाहिए। शेप का मतलब जिस टाइप का है उसी टाइप का होना चाहिए। अगर रेडियस आर है तो सबका रेडियस आर रहेगा, डायमीटर डी है तो डायमीटर डी सबका रहेगा, मास सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमने इन सबका मास कितना लेट कर लिया, एम एम एम। ये दोनों ऐसे ही रेस्ट में थे, किसमें थे ये, रेस्ट में थे। कौन सा फिगर पॉसिबल होगा, यही क्वेश्चन पूछा है आपसे कि पहले ये दोनों रेस्ट में थे, ये मोशन में आया दौड़ता दौड़ता, है ना, दौड़ता से धड़ाम से ये ठाक ये पुश किया, इसको कोलाइड किया इसके साथ, और कोलाइड के बाद क्या कंडीशन बनेगी वो तीन स्टेप में दिया गया, थ्री टाइप्स का फिगर दिया गया, ये कह सकते हैं आप कि कौन सा इसमें से पॉसिबल होगा आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन कौन सा पॉसिबल होगा इसमें, जरा सोचिए आप लोग। तो इलास्टिक कोलिजन कह रहा है, अगर इन इलास्टिक कहता तो कुछ और बात बनती, ठीक है, लेकिन कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है, तो अब कौन सा पॉसिबल होगा, क्वेश्चन में ये पूछा है। आप क्वेश्चन को एक एक स्टेप पढ़ोगे ना तो सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ना, मैंने तो शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो कौन सा फिगर पॉसिबल होगा, इलास्टिक कोलिजन, जैसे बच्चों नाम दिमाग में आता है, नाम लिया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। यस, तो पहले बिफोर कोलिजन उस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये निकालते हैं। आइए, मास दोनों का क्या है, एम है, तो इस मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास है हाफ एम वी स्क्वायर, दोनों रेस्ट में है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो फाइनली इनिशियल काइनेटिक जो एनर्जी आ रही है हाफ एम वी स्क्वायर आ रही है बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर आप लोग देख रहे होंगे। अब कोलिजन हुआ कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से कोलिजन के बाद ये कहानी बनी, तो कौन सा फिगर पॉसिबल होगा, तो इसके लिए हमको कैलकुलेट करना होगा आफ्टर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी, इन सभी की काइनेटिक एनर्जी हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और तभी आप ये बता सकते हो कि हाँ इलास्टिक कोलिजन है कि नहीं है, कौन सा पॉसिबल है। अगर इलास्टिक कोलिजन है तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, तो इस साइड भी उतना ही काइनेटिक एनर्जी मिलना चाहिए। तो चलिए पहले बात करते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी कहेंगे जीरो, शो ठीक है, जीरो क्योंकि रेस्ट में है, ऑलरेडी ये रेस्ट में आ चुका है, फिगर में आप लोग देख रहे होंगे। ये दोनों एक साथ सट करके स्टिक टुगेदर वी बाई टू स्पीड से चल रहे हैं, किस स्पीड से, वी बाई टू से, एक साथ सट करके, तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम होगा और मास दोनों का इंक्लूड हो जाएगा, दोनों का मास क्या होगा, इंक्लूड होगा क्योंकि सट के चल रहे हैं। तो इन दोनों का मास कितना होगा, इन दोनों का मास होगा 2m, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो 2m इंटू वी बाई टू का होल स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली कितना आएगा 1/4 एम वी स्क्वायर। देखिए कितना रहा है काइनेटिक एनर्जी, 1/4 एम वी स्क्वायर आ रहा है। क्या ये बिफोर कोलिजन से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये फिगर तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल, क्लियर। सेकेंड देखिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो, इसका हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, मास तो सबका सेम है भाई, इसका एम एम टू एम हो जाएगा, लेकिन दोनों स्पीड क्या है, दोनों की जीरो है, रेस्ट में है, तो दोनों काइनेटिक एनर्जी मिला के बताएंगे जीरो, इसका हाफ एम वी स्क्वायर। तो पूरे सिस्टम का अगर बात करते हैं तो हाफ एम वी स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी आती है आफ्टर कोलिजन, मतलब ये काइनेटिक एनर्जी और ये मैच कर रहा है, सेम है, कंजर्व है, तो फिगर सेकंड जो है राइट होगा, फिगर सेकंड ही क्या होगा इसका पॉसिबल फिगर है। क्या फिगर थर्ड को भी देख लिया जाए, हाँ फिगर थर्ड को भी देख लिया जाए, चलो देख लेते हैं इसको। तो इसका क्या होगा, इसमें 1 2 3 तीनों बॉडीज एक साथ चल रहे हैं सट करके, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, हम एम प्लस एम प्लस एम 3m, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ
एम डैश वी स्क्वायर, वी कितना है वी बाई थ्री, तो यहाँ थ्री एम रखेंगे वी स्क्वायर बाई यहाँ वी बाई थ्री का होल स्क्वायर, और इसे हम बच्चों सॉल्व करेंगे तो वन बाई टू थ्री एम इन टू वी स्क्वायर बाई थ्री का स्क्वायर नाइन, थ्री थ्री जा नाइन तो आएगा वन बाई टू थ्री जा सिक्स एम वी स्क्वायर। तो आफ्टर कोलिजन इस फिगर की, इस फिगर के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है बच्चों, वन बाई सिक्स एम वी स्क्वायर आ रही है, वन बाई सिक्स एम वी स्क्वायर, और बिफोर कोलिजन हाफ एम वी स्क्वायर है तो ये तो होगा नहीं, तो ये भी नॉट पॉसिबल। आपका सेकेंड फिगर क्या होगा, पॉसिबल होगा, सेकेंड फिगर पॉसिबल होगा, ठीक है ना। तो यही है 6.16 क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। जब भी आइडेंटिकल कहे तो मास सेम ले लेना है, रेडियस सेम लेना है, डायमीटर सेम लेना है आपको, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये 6.6 यहीं पे भी समाप्त होता है क्वेश्चन। इसके आगे की जो क्वेश्चन होगी हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में। और जो बच्चे इसके पहले का पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री वीडियो ना देखे हो, मैं इस लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने दे दिया है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, उस पर क्लिक करके आप लोग तीनों वीडियो देख लेंगे, इसके इस पहले के जो क्वेश्चन होंगे उसमें दिए हुए हैं। तो यहाँ तक आप लोग सॉल्व कीजिए, इसको अपने से ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन, तब तक पढ़ें, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।